Good morning, sir. Good morning, friends. आज देश जो है दोबारा कोरोना का शिकार होने वाला है। संध्या फ्लेक्स ग्रुप के तरफ से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, ये जो मास्क देख रहे सर, दोबारा आप अपना लीजिए, ऐसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए, ये कभी जिंदगी में मत उतारिए। कोरोना की कहर फिर बरस चुकी है, हो सकता है आने वाले वक्त में फिर लॉकडाउन होने की संभावना है देश में। उसका जो क्रेडिट जाता है वो पब्लिक के ऊपर ही जाता है। कोई भी सोशल डिस्टेंस ही रखता नहीं है, इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलता नहीं है, चाहे समाज हो या चाहे परिवार हो। जो इंस्ट्रक्शन, जो रूल्स, जो हर आदमी के लिए बनाया जाता है वो लोग फॉलो तक तो करता नहीं है। इसलिए आज देश की जो फाइनेंशियल स्थिति है डे बाय डे जो है चरमराते जा रही है। मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, मैं बोलता हूं कि रोजगार ही रोजगार है। लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, मैं बोलता हूं कि काम करने वाले नहीं है। आज के सिचुएशन और कल के सिचुएशन में बहुत आकाश पाताल का अंतर हो चुका है। आज से कई साल पहले लोग सुबह 4 बजे उठते थे, रात को 9-10 बजे से पहले सो जाते थे, चाहे वो अपने खेतों में काम करते हो या अपने बिजनेस में काम करते हो, एक इफिशियंसी से काम करते हुए। एक इंसान जो रहते थे पहले 50 लोगों के फैमिली को मेंटेन करते थे काम करके, लेकिन आज का जो जनरेशन है अपना भी पेट पालने के लिए मजबूर है। उसका रीजन है, उसको जॉब तो मिलता है मगर वो जॉब पर काम करना नहीं चाहता है। आज आए दिन चाहे उसके आपका फैमिली का स्टेटस देखो या किसी मैन्युफैक्चरर का स्टेटस देखो, एक मैन्युफैक्चरर, एक ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ जुर्म के साथ कुछ कर देता है कि लोगों को रोजी रोटी मिलेंगी, लेकिन लोग जो है अपने ही पैरों पर, अपने ही पेट पर लात मारने के लिए रेडी है। और आने वाला समाज 50 साल जो है यहाँ पर बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान के पास काम करने के लिए एफिशिएंसी नहीं है। तो हम आज का वीडियो लेकर के आए हैं, निगोशिएशन स्किल्स। आज का जो वीडियो है, मैं अपने ही स्टाफ से, अपने ही फैमिली से ये पूछता हूं, आप नए कंट क्या आपने फेसबुक क्रिएट किया, तो जवाब आता है नहीं। मैं ही पूछता हूं कि आपने कभी इंस्टाग्राम क्रिएट किया, तो जवाब आता है नहीं। आपने किसी नया कस्टमर को सर्च किया, जवाब आता है नहीं। क्या आपने कोई नया सप्लायर को सर्च किया, जवाब आता है नहीं। आपसे कस्टमर बोलता है कि आपका प्राइस जो है खोज का ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो क्या आपने किसी और कस्टमर से और सेम मैन्युफैक्चरर से क्या वो प्राइस आपने लिया, आपने मालूम करने की कोशिश किया कि हमारा प्राइस कैसे सामने वाला बोल सकता है, तो सामने वाला का जवाब आता नहीं। तो हर सवाल का जवाब जो है आपका स्टाफ ही, आपका फैमिली ही निगेटिव में बोलता है नहीं। तो फिर जवाब ये आता है कि आप जब आपका हर सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप कैसे सोच सकते हो कि हम आप एक कदम आगे जाएंगे। कि नहीं का मतलब कि नहीं, तो पीछे आपको आना ही पड़ेगा। एक स्टाफ लगता है कि आपके साथ करने वाला, एक ऑपरेटर लगता है आपके साथ करने वाला, आपके ऊपर कितना बड़ा ही एहसान करता है, कितने बड़ा एहसान कर रहा है कि आपके पास कंपनी में आ जाता है, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो। और आपके स्टाफ जो भी आज के माहौल में
कितना बड़ा एहसान करता है कि आपके ऑफिस में आ जाता है 10 बजे आ जाए या 11 बजे आ जाए या 9:30 बजे आए, उसका कितना बड़ा एहसान है कि आपके आ करके आपके साथ 8 घंटा टाइम गुजार दिया, कितना बड़ा एहसान कर रहा है। तो आने वाला वक्त में कोई भी इंडस्ट्रीज के तरफ देख के मुड़े जाएगा नहीं, अपने आप तक लोग सीमित रह जाएंगे, कोई भी एक्सपेंड क्यों करेगा, कोई भी खर्चा क्यों करेगा दूसरे के लिए। मैं तो तंग आ गया हूं, आप भी तंग, आप भी सोच लीजिए कि जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है वही आपके लिए खास है। तो ज्यादा दायरा बढ़ाओगे परेशान हो जाओगे, इसलिए आपका जितना कैपेबिलिटी है सर मेरे दोस्त उतना ही दायरा फैलाइए, आप सुकून से रहोगे, अच्छी नींद आओगे। तो बिफोर निगोशिएशन हमको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। हम बोलते कि हमारा सामने वाला बोलता है कि आपका प्रोडक्ट और क्या कितना डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमको नॉलेज नहीं रहने से उसको हम बराबर जवाब नहीं दे पाते हैं। कब नॉलेज होगा, जैसे सेम फील्ड में और भी स्टेट में आपके जैसा ही कोई मैन्युफैक्चरर होगा तो उससे भी हमको रेट लेना चाहिए कि आपका हमको वाटर स्टॉपर की जरूरत है, आपका प्राइस चाहिए हो तो आपको हमको मालूम होगा कि कई एक जगह से हम भी रेट लेकर के देखते हैं कि क्या हम सही है वो गलत है, कि हर लोग आज निगोशिएशन के तरफ जा रहे हैं। डे बाई डे हर मटेरियल का, आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया है, चाहे पीवीसी प्रोडक्ट हो या रबर प्रोडक्ट हो। आज कार्बन ब्लैक 80 रुपीज 65 रुपीज के जी मिलता था, आज 130 रुपीज के जी हो गया है। जो रबर आपको 130 रुपीज के जी मिलता था 190 रुपीज के जी हो गया है। जो एमएस वार जो हेलिकल वार जो रहता था वो 70 रुपया 60 रुपया किलो मिलता था, आज 100 रुपीज के जी हो गया है। फिर भी इंड्यूजर आपको कैसे बोल सकता है कि आपका रेट ज्यादा है? तो या तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको उसको बारे में नहीं मालूम है, इसलिए आप ऑर्डर लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो काम करने का इफिशियंसी है डे बाय डे कम होते जा रहा है। आप आकर के जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा हो मेरे वीडियो को सुन रहा है, या तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे, अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहे और दायरा नहीं बढ़ाना चाहता है और सप्लायरों के बारे में मालूम करना नहीं चाहता है। जैसे हम कोई दुकान लगाते किराना साहब, तो क्या हम अगर मान लीजिए चावल हम 40 रुपया किलो दे रहे हैं तो बाजू वाले को भी हमको पता करना चाहिए कि क्या रियल में वहां पर भी 40 रुपया बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कस्टमर को हम ज्यादा दे रहे हैं या हम कम दे रहे हैं? तो हमारा जो काम करने का जो स्टाइल है दिन पर इतना बेकार होते जा रहा है, इसलिए हम पीछे चलते जा रहे हैं। हम मालूम नहीं करना पाचा रहे कि सामने वाला क्या कर रहा है, और हम जो अपने जो इंस्ट्रक्शन देता है सिस्टम ही नहीं बना पाता है। आज मुकेश अंबानी है, आज आगे है तो उसका सिस्टम काम कर रहा है, मुकेश अंबानी नहीं काम कर रहा, उसका सिस्टम ही काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी मुकेश अंबानी बनना चाहता है लेकिन उसका सिस्टम इतना भ्रष्ट हो जाता है, लोग इफिशियंसी से काम नहीं करते, इसलिए मुकेश अंबानी बनना बहुत मुश्किल है सर। नेक्स्ट आता हाउ टू सर्च। तो लोग बोलता है कि हम कैसे सर्च करें, आज इतने सिस्टम है, इतने नेटवर्क है। जैसे आप कोई भी प्राइस लिस्ट मालूम करना है कि हमारा प्राइस लिस्ट क्यों ज्यादा है, हम आप वाटर स्टॉपर बेचना चाहते हैं जैसे 230/6 mm, तो लोग बोलता है कि 65 रुपया मीटर दे दो, जबकि मार्केट में 100 रुपीज 280 रुपीज में मीटर बिकता है, 1-200 रुपीज में मीटर बिकता है। तो हम कब मालूम होगा कि हम दूसरे से गूगल पर जाके और लोगों से सर्च करेंगे कि रियल में 230/6 mm का प्राइस क्या है, और हम 10 कस्टमर सप्लायरों से मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस होगा, उसको नोट डाउन करेंगे, हम सामने वाले का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, सर आप देखो आप हमने कि आप ही लोगों से बात किया, आज का प्राइस ये है। आप कैसे दिन पर दिन लोगों की सैलरी बढ़ती है या कम होती है, लोगों का स्टेटस जीने का बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है कम हो रहा है, रूम रेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बस का जो चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का क्या, एक लेबर काम करने वाले को कल तक 12 घंटे ड्यूटी करने वाला एक लेबर का उसका सैलरी 8,000 रुपया था, 20,000-25,000 देना पड़ता है एक ऑपरेटर की सैलरी, तो क्या रेट बढ़ रहा है कम हो रहा था? आप कैसे बोल सकते हैं कि इसका प्राइस जो है निगोशिएशन में चले जाओ। इसके बाद एक और आता है जो जस्ट डायल होता है, जस्ट डायल जो होता है उसमें भी जाकर के हम रेट मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लगने वाला है, तो आज कितना सिस्टम है,
कितना नेटवर्क है, लेकिन हम हाउ टू सर्च, हम सर्च करना ही नहीं चाहते, हम आगे एफिशिएंसी को बढ़ाना ही नहीं चाहते, हम जहां पर है उसी तालाब में रहना चाहते, उसे कुआं में रहना चाहते, नदी बनना ही नहीं चाहते। इसके बाद लिंक्डइन बोल के है, इस पर भी एक हम मालूम कर सकते हैं, या जर आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतने सारे सिस्टम है कि हम अपने बारे में दूसरे को मालूम कर सकते हैं। गूगल पर, गूगल से भी बेहतर काम करने वाले जो है फेसबुक है, जस्ट डायल है, इंस्टाग्राम है, इतने सारे सिस्टम है, फेसबुक है, लेकिन हम इंसान कामे करना नहीं चाहते, इसलिए हम करे तो क्या करें, हमारा लाइफ जो है आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पास आता है कि पर्सन ऑफ द सेम टेग, और हमको ये सब प्लेटफॉर्म पे जाके, इस सब पोर्टल पे जाके हमको ये देखना पड़ चाहिए कि हमारे जो हम जो काम करें, जैसे संध्या इंटरप्राइजेज जो काम कर रही है, और इससे इसके सेम काम करने वाले कितने लोग हैं, वो लोगों से इनडायरेक्टली हमको रेट मालूम करना चाहिए, और भी प्रोडक्ट का मालूम करना चाहिए कि आखिर वो क्या रेट दे रहे हैं, उनसे भी रेट लेना चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि रियली में सामने वाला जो इंडिविजुअल है, जो हमको कस्टमर जो हमको तो बेवकूफ बना रहे हैं, हम आज हर चीज का रेट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद कॉल योर वेंडर इन द लास्ट, जैसे आपको तो मालूम है जो आपका वेंडर है, जो वो तो आपको माल देगा ही, जैसे आपके पास जो वेंडर है रॉ मेटेरियल सप्लाई करने वाले, वो तो आज नहीं तो कल आपको तो मेटेरियल देने वाले है, लेकिन इसके अलावा हमको ये देखना चाहिए कि और एक वेंडर का सर्च करना चाहिए, और एक सप्लायर को सर्च करना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट देने वाला, जैसे आपको पीवीसी रॉ मेटेरियल चाहिए या रबर का रॉ मेटेरियल चाहिए, तो और भी डे बाय डे हमको सर्च करना चाहिए कि और भी हमको वेंडर की जरूरत है, और भी हमको सप्लायर की जरूरत है, तभी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर कोई 100 रुपया पर दे रहा था, हमको 90 रुपीज का वेंडर देखना चाहिए, जो आपका वेंडर है तो है, जैसे आपका हम बोलते हैं ना, किसके कि जो नहीं है उसके प्रति ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, जो है वो तो है, जैसे कि हमारा बीबी है तो हमको मालूम है कि बीबी है, तो उस पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं देना चाहिए, वो तो है उसको रखते हुए और भी लोगों को सर्च करना चाहिए। जैसे हमारा सप्लायर है वो तो हमको मालूम है कि डेफिनेट है, लेकिन और भी हमको सप्लायर को ढूंढना चाहिए कि हमको और कम रेट में देने वाला कौन है, और भी सर्च करना चाहिए कि हमको रॉ मेटेरियल देने वाला, तब हम आपको अगर हमको 1-2 रुपया भी का मार्जिन मिलता है, तो हम उसको और हम अपने सामने वाले को, हम अपने कस्टमर को एक और 1-2 रुपया निगोशिएशन करके उसको हम सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डज नॉट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सवाल बहुत होता है। डोंट मेक द फर्स्ट ऑफर, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसको पहले ही पूछिए कि आपको क्या कोटेशन आपने देते हो या ऑफर देते हो, तो थोड़ा वे देख कर रेट दो, एक ही बार नीचे खींच करके रेट दोगे तो आप बिजनेस का पॉलिसी नहीं है, उसको ही पूछ बोलने दो कि आपको क्या रेट में चाहिए, लास्ट में उसको ऑफर दीजिए, बात करिए उसको कि आपको क्या रेट में आ रहा है, क्या चाहिए आपको, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, क्या रेट में चाहिए। आप दुकान पर जाते हो कुछ लेने के लिए, एक लेडी साथ माल हाल में जाती है, दुकान पर जाती है, तो सेल्समैन क्या पूछता है कि आपको क्या रेंज में चाहिए, आपको किस तरह की क्वालिटी चाहिए, आपको साड़ी कितने रेंज की दिखाना, ये नहीं को जाते जाते आपको दिखाना शुरू कर देता, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह से हमारे पास जो कस्टमर आते हैं तो हमको उनसे मालूम करना चाहिए कि आप किस तरह का, आप इंडिविजुअल हो या ट्रेडर हो, आप कैसा मटेरियल सेल करना चाहते हो, किस तरह का आप मटेरियल लेने में इंटरेस्टेड हो। आज हर मैन्युफैक्चरर के पास 3 क्वालिटी रहता है, एक कमर्शियल क्वालिटी होता है, और एक जो होता है आपका जो रेगुलर क्वालिटी होता है, एक जो होता है स्पेशल क्वालिटी होता है। तो हमको कस्टमर से मालूम करना चाहिए कि भैया हमको किस तरह की क्वालिटी चाहिए, आपको किस तरह की क्वालिटी चाहिए, हम किस तरह की क्वालिटी बनाते हैं। तो जब तक हम इस चीज को फोकस नहीं करते हैं, तब तक हमारा जिंदगी जो हमारा जो लाइफ है, हम जब तक दूसरे को समझ नहीं पाते वो चाहिए क्या, ऐसा हम उठा उठा कर उसको देने का मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट है, उसका भी टाइम वेस्ट है। सामने वाला को क्या चाहिए उसी को फोकस करेंगे तभी हम बिजनेस कर सकते हैं, उसी जो उसको चाहिए उसी को हमको ऑफर देना चाहिए। एक्सपेक्टिंग ऑन द एक्सपेंसिस द प्राइज ऑफ द कोट फर्स्ट, हमको जो एक्सपेंसिस से प्राइज ही देना चाहिए,
नॉट मोर नॉट लेस, नॉट मोर नॉट लेस। एक हमारा जो बेनिफिट होते हुए उसमें हमारा मार्जिन रखते हुए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा ऑफिस का खर्चा है, हमारा स्टाफ का खर्चा है, रॉ मेटेरियल ही खरीद करके अगर आप 200 रुपया पर खरीदो तो 100 रुपया 102 रुपया पर ही बेच दोगे तो आपको तो बाकी लोगों का खर्चा तो नहीं निकलेगा। ये करंट बिल होता है, टेलीफोन का बिल होता है, और आपका ऑफिस का रेंटल होता है, आपके जो कभी कभी आप जो कभी कभी ओकेशन करते हो, कभी कभी पार्टी करते हो, कभी कभी आप गाड़ियों से कहीं पिकनिक में जाते हो, तो बहुत सारा एक्सपेंसेस रहता है। आप कैसे सोच सकते हो कि 100 रुपया का सामान लेकर के हम 101 रुपया में बेच देंगे तो हमारे कंपनी को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। हाउ टू थिंक, हाउ टू डिसीजन। तो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हम 100 रुपया के सामान को मिनिमम 110 रुपया में नहीं बेचे तो ये कंपनी का ग्राफ जो है डे बाय डे नीचे चलते जाएगा, एक दिन कंपनी लॉकआउट हो जाएगी, फिर आप नए नौकरी के सर्च में चले जाओ। ऐसा ही हो रहा है मार्केट में और ऐसा ही होते रहेगा। ऐसा लोगों का इफिशियंसी, ऐसा मेंटालिटी बन गया है कि इसलिए इंडियन लोग कभी भी डेवलप नहीं कर सकते, हर इंडियन जापानी नहीं बन सकते। इसके बाद बी ए गुड ऑब्जर्व, आपको गुड ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। जैसे आप कोई काम करने जाते हो, आपसे कोई बात करता है सामने वाला, तो उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करो कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, वो आदमी कैसा है। जैसे आपके दुकान पर आता है या तो आपके शोरूम हो या कोई भी, तो सामने वालों को पहले उसका मेंटालिटी को ऑब्जर्व करना होता है। वो आदमी लेने के मूड में आया है कि खाली ऐसे पूछ करके टाइम पास करने के लिए जाता है। तो आपके जब तक कस्टमरों की पहचान नहीं होगी कि सामने वाला कैसा है, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। उसी को तो हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, डेली उसी का ही तो ट्रेनिंग दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप फर्स्ट यू थिंक, फर्स्ट यू ऑब्जर्व द पर्सन, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द पर्सन। आप कोई भी चीज लेने जाते हो तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हो। आपको प्यास लगी होती है तो क्या थम्सअप पीते हो? आपको पानी की तलाश है तो पानी ही देखते हो कि पानी का आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इस बोतल में पानी, किस बोतल में पानी रहता, किस बोतल में थम्सअप रहता। आपको भूख लगी है तो खाना खाओगे या ब्रेकफास्ट करोगे? तो हमको पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए, सामने वाला का परख होना चाहिए कि सामने वाला हमारे पास आया तो किस लिए आया, वो लेने के मकसद से आया कि हमको ऐसा टाइम पास करने के लिए आया। जैसे आपका रायन हैदराबाद मोटर्स का शोरूम है या आपके पास ऑनलाइन पर कस्टमर आते हैं, तो कुछ कस्टमर ऐसे आपको रेट मालूम करने के लिए आते हैं, तो ये काम आप भी करना चाहिए। आपको भी एक दायरा बदलना चाहिए, डेली एक नया थिंग के साथ आना चाहिए। हम एक ही लाइन पर चलते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आपका लाइफ कैसे चेंज होगा? चलते 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 हम ऑब्जर्व करते हैं आज चेंज हो जाएंगे, कल चेंज हो जाएंगे। तो हम जब तक अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपने आप पर को शरीर पर कष्ट नहीं देंगे, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है दर्द भरी है और कैसे हम निगोशिएशन के साथ अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। हर आदमी निगोशिएशन की बात करता है, हर लोग डिस्काउंट की बात कर रहा है आज के डेट में, लेकिन खर्चा तो बढ़ते जा रहा है, फाइनेंशियल स्थिति सबकी खराब होती जा रही है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कंट्री हो। तो आप जो भी आपके पास है उसको संभाल करके रहो, मैं यही बोलना चाहता हूँ। कमाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसको बचाना इम्पोर्टेंट होता है। कोरोना का कहर फिर से ढाने वाला है, जो भी आपके पास है वो भी आपके लिए खास है, इसलिए सेव द मनी, डू द हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क करोगे आपका स्टेमिना बढ़ के रहेगा और आपके पास कोरोना फाइटिंग भी नहीं कर सकता, आपसे टकरा के लोहा जैसा बॉडी रखो। इतना हार्ड मेहनत करो सुबह शाम कि आपका स्टेमिना बढ़ जाए, तो जिसके अंदर ताकत है उसके आप सामने कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। जो आदमी कमजोर है अपने आप को वीक करते जाता है, सुबह से शाम तक काम ही नहीं करता है, वीकनेस के तरफ जाता है, वो लाइफ में कोरोना क्या एक सर्दी खांसी कुछ भी पकड़ सकता है। इसलिए हमको स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, बी बोल्ड और गुड द ऑब्जर्व। अपने सामने वालों को जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक उसके साथ काम नहीं कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।